फाइनली दोस्तों आज आप देख रहे हैं 2022 न्यू लॉन्च हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक टॉप मॉडल नेक्सस ब्लू कलर के साथ। डेस्टिनी 125 अब पूरी तरह बदल चुकी है, जिसमें कंपनी ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, 6 कलर और 3 वेरिएंट में आती है। अब इसकी प्राइस भी पहले से बढ़ चुकी है। नई कीमत क्या है, फीचर्स क्या है, माइलेज क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले फ्रंट बदलाव की बात करें तो इसमें आपको क्रोम के साइड व्यू मिरर मिल जाते हैं और रेट्रो फ्रंट डिजाइन मिल जाती है नए लुक के साथ। और वाइजर के ऊपर आपको हीरो का 3D में लोगो मिल जाता है। दोनों साइड में आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, जो आपको पहले नहीं मिलता था। स्प्लिट LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, जिसमें डेस्टिनी की नीचे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे आपको लो बीम और ऊपर में आपको हाई बीम का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी जो हेडलाइट का जो सेक्शन है वो कंपनी ने अब पूरा का पूरा बदल दिया है। एप्रेन के ऊपर आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन और यहाँ पर आपको एयर वेंट और नीचे में आपको क्रोम की स्ट्रिप मिलती है, जो आपको इसमें पहले भी मिलती थी। हेलोजन टर्न इंडिकेटर और यहाँ पर आपको DRL मिल जाती हैं डे टाइम रनिंग के लिए। नीचे में आपको कोई भी नया अपडेट देखने को नहीं मिलता है। आगे वाले मडगार्ड के ऊपर आपको थोड़ा सा फाइबर का यूज किया गया है। इसका जो आगे वाला मडगार्ड है वो यहाँ पर आपको मेटल का मिल जाता है। दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। 90-110 के यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं C8 कंपनी के, और टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन दिए हैं। कंपनी ने सबसे बड़ा अपडेट इसके मीटर कंसोल में किया है, जिसमें अब आपको डिजी एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंजन माल फंक्शन, यहाँ पर आपको साइड स्टैंड, I3S की इंडिकेशन लाइट और लो फ्यूल की इंडिकेशन लाइट मिल जाती है। और साइड में आपको हेडलाइट की इंडिकेशन मिलती है। साइड में आपको टर्न इंडिकेटर, हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, फ्यूल गेज मिल जाता है, ओडोमीटर और ट्रिप मीटर मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको सर्विस रिमाइंडर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें आपको SMS अलर्ट और कॉल अलर्ट जैसी यहाँ पर आपको सुविधाएं नज़र आती हैं। साइड में आपको 2 बटन मिलती हैं, जिससे आप इसके मीटर कंसोल को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको रियल टाइम एवरेज का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको क्रोम के साइड व्यू मिरर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अपर डिपर के साथ पासिंग का स्विच और नीचे आपको इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच मिलता है। दूसरी साइड में आपको I3S और नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिलता है। इसके नीचे की साइड में आपको की पॉइंट मिलता है, यहीं से आप इसके बूट को और इसके फ्यूल के कैप को ओपन कर सकते हैं। एक और अपडेट की बात करें तो अब इस स्कूटर में आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसमें दोनों साइड में आप थोड़ा बहुत सामान भी यहाँ पर रख सकते हैं। और सेंटर में आपको कैरी हुक मिलता है, और इसके नीचे की साइड में आपको USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, जिसमें डेटा केबल लगाकर आप अपने मोबाइल को आसानी से चार्ज कर सकते हैं, जो आपको पहले सीट के नीचे मिलता था। यहाँ पर आपको कैरी हुक मिलता है, जिसमें थैला वगैरह आप आसानी से बांध सकते हैं। लेग स्पेस एरिया इसका काफ़ी अच्छा है, 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। यहाँ पर आपको I3S का स्टिकर मिलता है, और यहाँ पर आपको लंबी सी क्रोम की स्ट्रिप मिलती है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट और एग्जॉस्ट के ऊपर आपको मफलर गार्ड मिलता है, जो कि क्रोम मेटल में दिया गया है। साइड पैनल के ऊपर की साइड में आपको डेस्टिनी 125 का लोगो मिल जाता है 3D के साथ। यहाँ पर आपको XTEC का स्टिकर मिल जाता है। जैसा कि ये टॉप मॉडल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, और इसकी जो सीट है वो यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर में मिल जाती है, जिसकी कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है, जिसमें 778 mm की सीट हाइट मिलती है। पिलियन के लिए यहाँ पर आपको न्यू अपडेट के साथ यहाँ पर आपको बैकरेस्ट मिल जाता है, जिसकी कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट दी गई है। सबसे बड़ा जो अपडेट है इसके पीछे की साइड में किया गया है, जो आपको इसके बैकरेस्ट में मिलता है। यहाँ पर आपको डेस्टिनी की वेजिंग और फुली एल्यूमिनियम का पीछे की साइड में इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले इसके फ्यूल के कैप को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और चाबी को राइट में मूव करने के बाद इसका फ्यूल कैप आसानी से ओपन हो जाता है, और ओपन होते समय इसमें एक टीटी की आवाज़ आपको सुनाई देती है। इसको क्लोज करने के बाद इसमें जो सायरन वाली जो आवाज़ आती है वो बंद हो जाती है। पीछे में आपको कोई भी नया अपडेट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। हेलोजन टेल लाइट, हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। जैसा कि ये 2022 का लेटेस्ट मॉडल है, तो यहाँ से आप इसकी 28 मार्च 2022 की डेट को देख सकते हैं स्टिकर के ऊपर जो डली हुई है। दोस्तों ये लेटेस्ट मॉडल है, जो कि कंपनी ने इसको नए अपडेट के साथ न्यूली लॉन्च किया है। और इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में आपको ज़्यादा कोई अपडेट यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता। ये डेस्टिनी का प्लेटिनम एडिशन है। इसके दूसरी साइड भी आपको क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है, डेस्टिनी 125 का लोगो मिल जाता है, XTEC का स्टिकर, 21 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आपको LED बूट लाइट का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको मोस्टली बहुत ही कम स्कूटर में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं।
अभी दोस्तों इसकी सीट को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट और साइड स्टैंड के ऊपर आपको एक सेंसर मिलता है। इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट मिल जाता है, हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे वाले टायर की बात करें तो यहाँ भी आपको सीएट कंपनी के 90-110 के यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। 10 इंच के एलोबील के साथ 130mm की ड्रम ब्रेक और यूनिट स्विंग विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। इंजन की बात करें तो 124.6 सीसी का एयर कूल्ड फॉरेस्ट रॉक SI इंजन दिया है जो 9 bhp की पावर देता है 7000 rpm पर और 10.4 nm का टॉर्क जनरेट करता है 5500 rpm पर। माइलेज की बात करें तो इस स्कूटर में आपको 55 किलोमीटर प्रति लीटर का आसानी से माइलेज मिल जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। तो अब बात करें इसकी प्राइस की तो हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक की एक्सोरूम कीमत है 82,190 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है 96,595 रुपये। अगर आप इसको एसेसरीज और हेलमेट के साथ लेते हैं तो ये स्कूटर आपको कंप्लीट ऑन रोड मिल जाता है 101,695 रुपये का। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल्स राय मथुरा शोरूम की। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो आप अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को। थैंक यू दोस्तों।